और हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही चल रही है, सीधा आपको लिए चलते हैं। अध्यक्ष जी नहीं 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 हुड्डा जी ने समर्थन कराया। अध्यक्ष जी अरे यार समर्थन करा फिर वही कर। एक मिनट प्लीज प्लीज नहीं नहीं एक मिनट किरण चौधरी को मैंने बोल दिया। एक मिनट प्लीज प्लीज किरण चौधरी। जयप्रकाश जी जयप्रकाश जी ये भारतीय जनता पार्टी नहीं पूरा देश नाच रहा। जयप्रकाश जी इस फैसले से पूरा देश खुश है, कोई भारतीय जनता पार्टी के लिए खुश नहीं है इससे। आ जाओ जयप्रकाश जी प्लीज प्लीज बैठिए। स्वामीनाथन का विषय था जो विषय है उस पर बात करो आप विषय से बाहर बात कर रहे हैं। जयप्रकाश जी किरण जी किरण जी नहीं नहीं कुछ प्लीज प्लीज एक लास्ट लास्ट किरण जी किरण जी किरण जी मैं एक बात करके रैप कर आपके एक बोल रहे हैं। मैं किरण जी आपका नाम बोल रहे आप फिर भी बुला दे रहे। मैं ये सदन में ये बात रखना चाहती हूँ। नहीं 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 शांति से सुनिए आप लोग सुनते तो है नहीं। एक मिनट किरण जी की बात सुन लो। अध्यक्ष जी मैं सदन पटल पे आज ये बात रखना चाहती हूँ कि इस देश की आजादी के लिए कांग्रेस पार्टी ने जैसे हमारे मंत्री जी यहाँ बैठ के कह रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी बात इन्होंने कही है। कांग्रेस पार्टी ने अपने खून की बलिदान कांग्रेस के लीडर्स ने दिया। आप मेरी बात तो सुनिए मैं वही आ रही हूँ। और देश हित में जो भी है कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी होती है और हम साथ खड़े होंगे ये बोल रही हूँ मैं। अब ये किसने कहा देश का विभाजन लाखों लोगों का कत्ल देश का विभाजन देश के दो टुकड़े कश्मीर समस्या लाखों लोगों का कत्ल देश का विभाजन कैसे देश का विभाजन कर रहे हैं लाखों लोगों का कत्ल मंत्री जी मंत्री जी मंत्री जी मंत्री जी आप लोग प्लीज देश का इतिहास नहीं बदल सकते देश का इतिहास नहीं बदल सकते आप। मैं जो बात कह रही हूँ ये इनको समझ ही नहीं आ रही है मैं बोल रही हूँ। एक मंत्री जी मंत्री जी बात हो मंत्री जी बगैर सुने बगैर वो करे यो ही अपने बोले जा रहे हो आपको समझ नहीं आई मैं क्या कह रही हूँ। और अगर धारा 370 समाप्त करिए पिछली बार करनी चाहिए थी आपके पिछले घोषणा पत्र में थी हम कहते हैं पिछली बार क्यों नहीं करी। मंत्री जी प्लीज 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 पानी भी लो जोर से मत बोलो प्लीज प्लीज ये बिल्कुल गलत बात है। ये हम यहाँ पर आज अध्यक्ष जी हम आपका सहयोग देने के लिए खड़े हुए हैं प्लीज सहयोग देने के लिए खड़े हुए महिपाल जी और ये मंत्री जी को समझ नहीं आ रही है प्लीज इनका पता नहीं क्या खा के आए आज। चलो कोई नहीं सीएम साहब मैं समर्थन कर रही हूँ ये उल्टा कह रहे हैं समर्थन कर रहे हैं और ये उल्टा बोल रहे हैं उल्टा बोल रहे हैं हम तो समर्थन कर रहे हैं। ये कोई बात कौन ये प्रसन्न हम ये बात देश हित में जो भी देश हित है उसके लिए कांग्रेस पार्टी सबसे आगे है ठीक सबसे आगे प्लीज डॉक्टर साहब प्लीज प्लीज ठीक ठीक प्लीज 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 असीम जी नब बैठी अब नहीं मंत्री बेदी जी ज्ञानचंद जी ज्ञानचंद गुप्ता जी प्लीज प्लीज बैठिए पवन जी बैठिए। ये प्रस्ताव अभी हुड्डा साहब ने भी कहा सबने कहा सर्वसम्मति से पास किया जाता है। माने एक मिनट कहाँ क्वेश्चन कहाँ क्वेश्चन एक मिनट बैठे भाई बैठी 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 दांगी साहब प्लीज प्लीज नहीं अब मैं प्रश्न काल शुरू करूंगा नहीं नहीं बहुत हो लिया। माने एक मिनट माने सदस्यगण अब प्रश्न काल शुरू होता है नहीं होगा जी बहुत श्रीमती गीता बुक्कल जी श्रीमती गीता बुक्कल बहुत प्रस्ताव पास है क्या जी अध्यक्ष महोदय बोल दिया जी 3091 बोल दिया प्रस्ताव पास है सर दो टुकड़े कराए देश का प्रस्ताव पेश किया क्या के
पर कांग्रेसी प्रस्ताव की प्रक्रिया कर लीजिए, निवेदन है, किसी के मन में फर्क रह रहा हो पता चल जाएगा। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया ना कहें। प्रस्ताव पास हुआ, श्रीमती गीता बुक्कल प्लीज, बस 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 बस, श्रीमती गीता बुक्कल प्लीज। 091 सर, असीम जी प्लीज प्लीज प्लीज, आप एक डंगी साहब प्लीज प्लीज, गीता बुक्कल जी सर, तीन बार क्वेश्चन बोल दिया जी, जवाब आने दें। गीता बुक्कल जी, हाँ जवाब आने दे सर। मंत्री जी, हाँ जी, हाँ श्रीमान जी, तदनुसार 31 गांवों को मई 2013 में शहरी पद्धति पर बिजली आपूर्ति की गई थी, यद्यपि असामान्य रूप से अधिक लाइन लॉसेज होने के कारण इन गांवों में बिजली आपूर्ति PRM के अनुसार ग्रामीण घरेलू आपूर्ति RDS के तहत 16 घंटे दी जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि आपने मेरे प्रश्न में कहा कि हाँ हमारे समय में ये 24 घंटे बिजली दिए जाने की बात थी 31 गांव में, जिसमें कि 14 गांव जो हैं हमारे झज्जर के हैं, क्योंकि ये इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्लांट झाड़ली झज्जर जो कि 500-500 की तीन यूनिट का झज्जर में है, और CLP चाइना लाइटनिंग प्लांट जो है 1320 मेगावाट की कैपेसिटी का, ये हमारा खानपुर में है। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि जब ये घोषणा हुई थी कि इन 31 गाँव में और 14 गाँव खासतौर से जो हमारे जिला झज्जर के हैं, इसके साथ में रिवाड़ी और दादरी को भी इसका पूरा इस थर्मल पावर प्लांट्स का जो है वो फायदा मिल रहा है, तो माननीय मंत्री जी बताएंगे कि ऐसे क्या कारण रहे कि आप रूरल डोमेस्टिक की सप्लाई कर रहे हैं और 16 घंटे आपने इसमें केवल लिखित में दिया है, वहाँ पर कई गाँव में बिजली जो है 2-3 घंटे या 4 घंटे आती है, कई बार 10-10 या 12-12 घंटे आती है। तो मैं एक तो ये जानना चाहूँगी कि क्या ऐसे कारण रहे, जब वो घोषणा थी तो आपने क्यों सुनिश्चित नहीं किया कि उसमें 24 नहीं तो कम से कम हमारे समय में 24 की बजाय हमने 20 घंटे सुनिश्चित की थी और देने का भी काम किया था। जिस समय हजारों एकड़ की जमीन देके ये थर्मल पावर प्लांट लगा, उस समय जिनके परिवारों की ये जमीन गई थी, हमने उनको मुआवजे के साथ साथ सालाना 15,000 जो कि अब 20,000 हो चुका है और 250 लोगों को जॉब भी दी थी। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि थर्मल पावर प्लांट की वजह से, ठीक है बिजली के दो, हमारे समय में जो 4 कारखाने, थर्मल पावर प्लांट, एक न्यूक्लियर प्लांट लगा, एक भी यूनिट बिजली जो है इस सरकार ने बनाने का काम नहीं किया। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि हमारे इन थर्मल पावर प्लांट्स की आपने सप्लाई तो बंद कर दी, जो हमारी मॉडल ITI सालावास थी, मॉडल ITI हमारी मातनेल थी, उसमें लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी, बिजली आप दे नहीं रहे हैं, ऐसे क्या लाइन लॉसेस तो सारे के सारे प्रदेश में हैं, कई जगह पर हैं जहां पर बिजली के बिल नहीं भरे जाते, तो क्या कारण है कि आपने हमारे यहाँ की जो है बिजली को कट करने का काम किया? सर, हनुमानगढ़ राजस्थान से ओएसिस विद्यालय के बच्चे आज हमारी सदन की कार्रवाई देखने आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। शाहबाद मारकंडा से भी बहुत से पत्रकार आज आए हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। स्पीकर सर, मेरी बहन जी ने बड़े लेंथी उससे पूछा है, अतीत के मुख्यमंत्री ने 12-12-2008 को इन 31 गांवों में 24 घंटे जो 10 किलोमीटर के रेडियस में बिजली देने की बात कही थी, तो इसमें झाड़ली के NTPC के 500 मेगावाट के 3 यूनिट हैं और CLPP 660 मेगावाट के 2 यूनिट हैं। इसमें 24 घंटे बिजली देने के लिए अतीत की सरकार ने एक ट्रंक की ठेकेदार ने सामान देना था, उसको कंडीशन लगाकर दी थी, 3 कंडीशन थी, इसमें अतिरिक्त खंबे, ट्रांसफार्मर, AC, SR और कंडक्टर को AP केबल में बदलना है, और इसके लिए 5/15/5/2009 को ठेकेदार ने 4.60 करोड़ की लागत से 88 किलोमीटर AB केबल बिछाकर 3497 BCC खंबे तथा 34 ट्रांसफार्मर लगाकर LVDS प्रणाली सुधार किया था, लेकिन इसमें गांव वालों से 3 कंडीशन थी, सेकंड कंडीशन थी इलेक्ट्रॉन मीटरों को।
तो ये हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही आपको दिखा रहे थे।